Hello student, welcome back to Electronica study. In this session, we are going to discuss about fundamental of electrical and electronics engineering. Fundamental of electronics and electrical engineering is a branch of engineering in which we deals about electrical as well as electronics engineering. It is a combination of both the branches, electrical branch and electronics branch. तो दोनों का कम्युलेटिव स्टडी करना है हम लोग को इस सेमेस्टर में, इस सब्जेक्ट में. दैट्स व्हाई द नेम, सब्जेक्ट नेम इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स अबाउट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने का काम होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं होगा तो वो हम तक नहीं पहुंचेगा. तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जाता है. इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए कई सारे मेथडोलॉजी हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, आजकल जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो हाइड्रो पावर प्लांट, पहले से जो हमारे यहाँ पावर जनरेशन में काम होता था उसमें हाइड्रो पावर प्लांट बेसिकली यूज होते थे. तो हाइड्रो पावर प्लांट की जो भी इफिशियंसी थी एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट कुछ कम थी. तो फिर थर्मल पावर प्लांट अस्तित्व में आया और वहाँ से फिर हम लोग को हाइड्रो पावर प्लांट की अपेक्षा अच्छा जनरेशन मिला. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सबसे पहले जनरेट किया जाता है, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन किया जाता है जो मेगावाट में है ना, जो जहाँ भी जनरेशन प्लांट है वहाँ से है ना मेगावाट में पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ना विद द हेल्प ऑफ पावर ग्रिड या बहुत सारे और भी इलेक्ट्रिकल सब्सिडियरीज के लिए काम करते हैं. आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है. तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हेल्प से हमारे यूटिलिटी तक, डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्री पर्पस के लिए, हमारे घर तक पहुंचता है. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग आज का जो भी डेली रूटीन है उसको हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते. हमारे डेली रूटीन का हर एक जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ा हुआ है. और इलेक्ट्रिकल भी सिस्टम कंसर्न ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का. तो बिना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दैट कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट है हम लोग. तो कॉम्प्लीमेंट ब्रांच है एक दूसरे का. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर आफ्टर यूटिलाइजेशन. तो यूटिलाइजेशन के क्रम में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, हमारे उपयोगिता के लिए, जो हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक के पर्पज से यूज़ करें या इंडस्ट्री के पर्पज से यूज़ करें, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं. और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी यूज़ में लाते हैं. तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की उत्पत्ति हुई. अब ये इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है, ये जो मैकेनिज्म है, मोशन है, ये बेसिकली हम लोग सेमीकंडक्टर या वैक्यूम ट्यूब्स के टर्म्स में देखते हैं. सेमीकंडक्टर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप के हैं, जिसमें हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी और एन टाइप्स को पढ़ते हैं, देखते हैं पी टाइप मटेरियल और एन टाइप. इसके ही हेल्प से पीएन जंक्शन डायोड या पीएनपी ट्रांजिस्टर तक इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचा. तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है इन सेमीकंडक्टर मटेरियल एज वेल एज वैक्यूम ट्यूब. दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मोशन होता है उसी का स्टडी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है. और इसी मोशन और मैकेनिज्म के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे कंपोनेंट और डिवाइस बनाए, जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे इस सेशन में. और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स प्लस मैकेनिक्स, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग.
तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को देखा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर द पार्ट्स ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज आइदर फ्लो और इंटेंडेड टू फ्लो। दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज इट इज अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज आइदर फ्लो और इंटेंडेड टू फ्लो, है ना। एंड सम कंपोनेंट्स आर देयर, है ना। हियर इज एलईडी, एलईडी इज ए कंपोनेंट। हियर इज अ रजिस्टर, रजिस्टर इज ऑल्सो ए कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जिनसे मिलकर के हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण होता है। और यहाँ पे ईएमएफ सोर्स के लिए बैटरी है, प्लस माइनस टर्मिनल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के हेल्प से ही एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का निर्माण होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ क्लोज पाथ इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंटेंडेड टू फ्लो और आइदर फ्लो। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स और एक होते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेबल नहीं होते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पलीफाई कर सके या प्रोसेस कर सके। इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे रजिस्टर और इंडक्टर। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोसेस या एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, तो सर्किट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ये इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को एम्पलीफाई कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं डायोड, डायोड एज ए रेक्टिफायर भी हम यूज करेंगे, या ट्रांजिस्टर। डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स आर एक्टिव कंपोनेंट्स बिकॉज दीज आर कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग और प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का एक टेबल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए। क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासिफाई हुआ है, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। रजिस्टर फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से कैपेसिटर भी फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर को और भी क्लासिफिकेशन है, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर। उसके बाद इंडक्टर एयर कोर है, आयरन कोर है, फेराइट कोर है। और एक्टिव कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स टाइप के और सेमीकंडक्टर टाइप्स के हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स में वैक्यूम ट्यूब्स और गैस ट्यूब होता है, गैस फिल्ड ट्यूब्स। और वहीं सेमीकंडक्टर में डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सजेस्ट मी टू मेक सम मोर वीडियोज। थैंक यू।